जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंद पर 24। मैं अरण जायसवाल सभी साथियों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और आज मैं पुनः एक मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं जो कि लगातार मैं बात करते आया हूं, बिजली विभाग के मुद्दे पर। और बिजली विभाग की अगर मैं बात करूं, अगर 67 से लेकर के और आज तक के राजनीतिक दबाव तक के लिए बातें अगर मैं बताऊँ, इसमें से अभी 7 जुलाई के दिन आपने सभी अलग अलग माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम हो चाहे टी वी मीडिया के माध्यम से हो, आपने देखा है शिवराज सिंह चौहान जी का, जो कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, अभी इनका दौरा हुआ था रीवा में। और जब रीवा में दौरा हुआ था उस वक्त जब बिजली विभाग के जो आउटसोर्स कर्मचारी थे अपनी विभिन्न मांगों के लेकर, जैसा कि आप क्लिप में भी देख सकते हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास शायद है कि समय नहीं है। और ये बात करते हैं ये बिजली विभाग और अन्यत्र कई विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कि हमें आपके संबंध में अच्छे कदमों की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये इनके अलग अलग दावे आपने देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से 7 जुलाई के दिन बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन रीवा के जो प्रदेश सचिव थे और उसके साथ में प्रदेश अध्यक्ष थे और कई मौजूद थे वहां पर कई पदाधिकारी, इस बीच में जब उनकी जो वार्तालाप हुई और वार्तालाप के साथ में जिस तरीके से उनका जो ज्ञापन पत्र था, ज्ञापन पत्र सौंपा गया, जो कि ज्ञापन पत्र में 7 सूत्री मांगों के लेकर के उनको ज्ञापन पत्र था, इसमें से जो जायज मांगे थे जिसका इन्होंने जो जिक्र किया था, पहला जो जिक्र है विद्युत विभाग में सिविलियन, यानी आप देखे होंगे आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से अनेकों एजेंसियां पूरे मध्य प्रदेश में 45,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कार्य करती हैं, लेकिन जिस तरीके से शोषण होता है लगातार, जिस तरह से उन्होंने बोला है कि समान कार्य समान वेतन, दूसरा जो मांग थी कि समान काम समान वेतन, यानी जब समान कार्य लिया जा रहा है तो समान वेतन देने में क्या बुराई है, जिस तरीके से अनेकों राज्यों में देखने को मिल रहा है। उनका तीसरी मांग थी कि अधिकारियों की जो तानाशाही है, अधिकारियों के तानाशाही की वजह से, उनके मन मुताबिक कार्य न करने की वजह से, जैसे कि 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ड्यूटी लेना और साप्ताहिक अवकाश जो प्रावधान है, साप्ताहिक अवकाश में ड्यूटी लेना, अगर कार्य नहीं किया जाता है ड्यूटी कर्मचारियों के द्वारा तो उनको कहीं ना कहीं से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है और तानाशाही पूर्ण रवैये से कहीं ना कहीं नई भर्ती पैसे के लेन देन लेकर के किया जाता है। जो उनका एक चौथी मांग थी समय पर भुगतान, जो कि आउटसोर्स एजेंसियां जितनी भी, जैसा कि जितने भी कर्मचारी हैं आउटसोर्स के रूप में, उनको पता होगा कि जिस तरीके से लगभग पूरे मध्य प्रदेश में समय पर भुगतान नहीं होता है, कोई निश्चित डेट नहीं फिक्स होती है किस तारीख को पेमेंट किया जाएगा। जो उनकी पांचवी जो उनकी मांग थी, इस तरीके से आप देख सकते हैं क्लिप में भी देखा सकते हैं, 7 उनकी मांगें थी। इसके अलावा जो एक और मांग जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इसमें पूरे मध्य प्रदेश में है कि पूरे सब स्टेशन, यानी जो यहाँ से बिजली हमारी जाती है आपके घरों तक, और इसके बाद में यहाँ पर एक एमडास का जो सिस्टम लगाया जाता है, MRI करने का जो सिस्टम एक बताया जाता है, तो यहाँ पर अभी तक विभाग के जो STM टीम हुआ करती थी उनके द्वारा किया जाता था। जो अभी फिलहाल जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं 45,000 के आसपास में, जिसमें से कई हजारों की तादाद पर स्टेशन है, बिजली विभाग में ऑपरेटर के पद पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको दबाव दे करके मोबाइल खरीदने की, यानी एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने का दबाव दिया जा रहा है और उसके माध्यम से MRI करने का दबाव दिया जा रहा है। और जिसके पास अगर मोबाइल नहीं है और जिन जो MRI कर नहीं पा रहे हैं किसी न किसी कारणवश, तो कहीं ना कहीं उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जबकि अभी तक यह कार्य STM टीम के द्वारा किया जाता था और समुचित उपकरण के साथ में किया जाता था। किसी भी तरह से उपकेंद्र के लिए कोई समुचित उपकरण नहीं दिए गए और दबाव पूर्वक दबाव देकर के इनके फोन के माध्यम से, इनका फोन उपयोग करके ना तो किसी तरह से नेट रिचार्ज, ना किसी तरह से कोई भी, बिना किसी उपकरण के दबाव पूर्ण तरीके से इनसे MRI कराने जाने का लगातार एक पूरे मध्य प्रदेश में एक कोहरा मचा हुआ है। लेकिन फिर भी किसी तरह से न शासन, न प्रशासन, न बिजली विभाग के न कोई अधिकारी यहाँ पर सामने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर तो शासन की तो बात मनसा सीधे सीधे आप कई अन्यत्र वीडियो में भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से बिजली विभाग में लगातार एक्टिव है या नहीं है, ये कहीं ना कहीं से बड़ा विचारणीय और बड़ा सवालनात्मक प्रश्न है। लेकिन यहाँ पर शायद अगर आप अगर इस तरीके का कोई अगर चैनल अगर वीडियो बनाता है, कोई अगर इस तरह कोई मीडिया वाला अगर कोई इस तरह की वीडियो प्रसित करता है, तो कहीं ना कहीं आपकी कमी दिखती है कि आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, इस संबंध में वो निगेटिव हो जाता है और आपकी इस संबंध में सपोर्ट की वीडियो नहीं बनाता है। आप इस चैनल में देख सकते हैं कि 70% के आसपास, यानी 50 से 70% के बीच में आपके सपोर्टिव, यानी जितने भी शोषित विभाग हैं और शोषित वर्ग हैं, उनके लिए लगातार है चैनल बिंदु पर 24 लगातार प्रयास करता है। और वहाँ पर अगर ये चैनल तो जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी निभाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर हो सके तो अगर ये चाहते हैं कि हमारा भी कोई आवाज़ उठाने वाला चैनल लगातार प्रदेश स्तर पर कोई बने, तो ये लगातार आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा नहीं तो अपने संबंधित ग्रुप में और संबंधित ग्रुप के स्टेटस में और संबंधित जो फेसबुक हो वहाँ पर शेयर करके, अपने साथियों तक भी शेयर करके, इस चैनल का प्रसार करके, वीडियो को प्रसार करके
अपनी मांग को हाईलाइट यानी जब भी ट्रेंडिंग में वीडियो आएगी तब कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की निगाहें भी जाएगी, कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा को दबाया जाता है ये कहीं ना कहीं से सोचने पर ये मजबूर होंगे। और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर भी एक प्यार देना ना भूले, क्योंकि जब भी आप प्यार देते हैं वही एक हौसला मुझे मिलता है। मैं किसी भी तरह से आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं, न किसी तरह से कोई आर्थिक मदद मांग रहा हूं, केवल हौसले स्वरूप आप वीडियो शेयर और केवल सब्सक्राइब करके अगर देते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं हौसला एक चार गुना मिलता है। और आपके सपोर्ट में लगातार मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके जो सवालात हैं सवालात को मैं साझा करने में पूरी तरह से कामयाब हो पाया रहा होगा। अगर जो भी सवालात हैं तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि अबाउट पे दिया गया है वहां पर आप मुझे मैसेज करके अपने सवालात को साझा कर सकते हैं। इसी साथ देखा जाए 24 मैरंज सवाल। जय हिंद।